ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने सेट किए हैं जो कि आपके मतलब बोर्ड के एग्जाम में इस साल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम अपडेट करेंगे वो आपको सबसे पहले उपलब्ध होता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है। महाभारत के आदि पर्व में किस अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? प्रथम, 52वें, 102वें या फिर 100वें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? महाभारत में आदि पर्व के 102वें अध्याय में, ठीक है, 102वें अध्याय में भीष्म के द्वारा क्या किया गया है? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये 8 प्रकार के विवाह क्या थे, ठीक है? तो 8 प्रकार के विवाह थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ठीक है। ये 8 प्रकार के विवाह थे, ठीक है। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है किसमें? तो 102वें अध्याय में, ठीक है, 102वें अध्याय में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अम्बा और अम्बालिका, ठीक है, अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी, ठीक है। आपको ये बताना है कि अम्बा और अम्बालिका किनकी पत्नी थी, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है चित्रांगद, विचित्रवीर्य और पांडु और दुर्योधन, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि अम्बा और अम्बालिका किनकी पत्नियाँ थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका विचित्रवीर्य, ठीक है, विचित्रवीर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, ठीक है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी कि महर्षि व्यास द्वारा कौन कौन मतलब किन किन व्यक्तियों का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर और सभी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो भी मतलब तीनों, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों ही किनके तो वेद व्यास से उत्पन्न हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, सभी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो युधिष्ठिर का या अर्जुन का या दुर्योधन या भीम का, ठीक है। तो जो घटोत्कच था वो किसका पुत्र था? भीम का, ठीक है, किसका? भीम का। होता क्या है, महाभारत अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में ये बात दिखाया जाता है कि भीम और उनके मतलब पूरे परिवार, मतलब उनकी माँ और अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब लोग जंगल जाते हैं। जंगल में मतलब उनको एक राक्षसी से मतलब प्यार हो जाता है, ठीक है, प्रेम हो जाता है और उनसे वो शादी करते हैं, ठीक है। तो घटोत्कच मतलब उन्हीं राक्षसी, यानी कि उस राक्षसी का नाम हिडिम्बा था, ठीक है, क्या नाम था? हिडिम्बा, उस राक्षसी का नाम हिडिम्बा था। तो उनसे मतलब इनको प्रेम होता है और उनसे वो शादी कर लेते हैं। तो उन्हीं हिडिम्बा का ही पुत्र घटोत्कच था, ठीक है, हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच, और उसका पिता कौन थे घटोत्कच के? तो भीम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भीम ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, भीम ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है अर्श, गंधर्व, राक्षस और देव। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गंधर्व, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गंधर्व। अब गंधर्व क्यों होगा? तो गंधर्व क्यों होगा, ठीक है, अगर हिडिम्बा राक्षसी थी, हिडिम्बा क्या थी? एक राक्षसी थी। तो हिडिम्बा राक्षसी थी और ये क्या थे? ये थे मतलब मनुष्य, भीम क्या थे? मनुष्य थे और हिडिम्बा राक्षसी थी। तो इस तरह देखा जाए तो हो सकता था कि राक्षस विवाह हो, ठीक है, लेकिन गंधर्व विवाह क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए जब होता क्या है, मतलब जो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है महाभारत में भीष्म के द्वारा, तो उसमें इस बात का जिक्र है कि जब हम अपने बलपूर्वक, ठीक है, क्या बलपूर्वक अगर किसी स्त्री को अपहरण करके या फिर कैसे भी करके उससे शादी करते हैं तो वो कहलाएगा राक्षस विवाह, क्लियर, क्या कहलाएगा? राक्षस विवाह। लेकिन अगर
मतलब जो स्त्री है और पुरुष है वो एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर के, कैसे एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर के अगर शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गंधर्व विवाह। ठीक है, तो भीम और हिडिंबा एक दूसरे से आकर्षित हुए थे, ठीक है, और तब इनकी शादी हुई थी। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या किया था? गंधर्व विवाह किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपको ये बताना है कि द्रौपदी किसके मतलब किसकी पत्नी थी। ऑप्शन है आपके पास अर्जुन, नकुल, सहदेव या सभी। ठीक है, तो देखिए द्रौपदी जो थी वो राजा द्रौपदी की पुत्री थी। ठीक है, द्रौपदी राजा द्रौपदी की पुत्री थी और जो द्रौपदी थी, द्रौपदी मतलब उसके शादी के समय, जब उसका शादी हो रहा था तो शादी के समय एक जैसे होता है ना टारगेट रखा गया था कि एक मछली थी, मछली को मतलब पानी में देख करके उसको तीर मारना था। ठीक है, तो उससे शादी करने के लिए बहुत राजा मतलब बड़े बड़े राजा आए थे और सभी ने ट्राई किया, लेकिन किसी ने भी जो मछली है मछली को तीर नहीं मारा। मतलब ऊपर मछली थी और नीचे पानी रखा गया था और पानी में आपको देख कर और ऊपर तीर मारना था। तो उसमें जो अर्जुन थे, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने उसको तीर मारा। ठीक है, मछली के मतलब शरीर में क्या किया, अर्जुन ने पानी में देख करके तीर मारा, क्योंकि उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ जो धनुर्धर थे वो कौन थे? अर्जुन थे। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने पानी में देख करके उसको तीर मारा। जब वो मतलब उसको वहाँ से शादी करके ले करके आए, ठीक है, शादी करके वो वहाँ से ले करके आए अपने मतलब जो कुटिया था, उस समय वो लोग वनवास होते थे। ठीक है, तो कुटिया में लेकर के आए, तो कुटिया के बाहर से ही उन्होंने अपनी माँ को आवाज़ दिया कि मम्मी मतलब हम लोग कुछ ले करके आए हैं। ठीक है, तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, कहा कि ठीक है अगर लेकर के आए हो तो आपस में बांट लो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब उनके जो वाक्य है, वाक्य का पालन करते हुए मतलब जो द्रौपदी है वो सभी की पत्नी है, यानी कि उसको पंचाली भी कहा जाता है, क्योंकि वो पंचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री थी। ठीक है, पंचाली कहा जाता है क्योंकि वो पंचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री थी। ठीक है, तो द्रौपदी मतलब अर्जुन, नकुल, सहदेव सबकी पत्नी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि कर्मण्य वाधिकास्त्रस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद्भगवद्गीता के किस अध्याय में है। ठीक है, ये जो मतलब वाक्य आपके सामने दिखाई दे रहा है ये गीता के किस अध्याय में है। ठीक है, तो प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय या तृतीय या चतुर्थ। ठीक है, तो ये भगवद्गीता के श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था। ठीक है, श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। ऑप्शन आपके पास हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसने महत्व जो भगवद्गीता है उसके महत्व पर विचार किया था भाई, तो सभी ने। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सभी लोगों ने श्रीमद्भागवद्गीता के महत्व पर विचार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक, यानी कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें दो पक्ष थे। ठीक है, एक कौरव थे और एक पांडव थे, कौरव और पांडव। तो कौरव के साथ मतलब जो था वो दुर्योधन था और ये लोग पाँच भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पांच भाई थे। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों के बीच में क्या हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, कितने दिन तक? 18 दिन तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। ठीक है, भीष्म पितामह जो थे उनको ही गंगा पुत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है दिया है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे। ठीक है, ऑप्शन है शक, पहलव, कुषाण और सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सातकर्णी थे उन्होंने शकों के साथ, ठीक है,
किसके साथ, सखों के साथ विवाह संबंध जोड़े थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है, आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व और इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि जो आदि पर्व है, आदि पर्व में मतलब वर्णों का जिक्र मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपके पास है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो आंसर क्या हो जाता है, शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो शूद्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चंडाल और अस्पृश्य माने जाते थे, जो जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके, यह कथन किसका है। ठीक है, यानी कि जो चंडाल थे, जो कि मतलब सबसे छोटी जाति के लोग थे, मतलब सबसे समझिए कि सबसे छोटी जाति के, वो लोग गांव के बाहर रहते थे। ठीक है, और वो लोग जब गांव में एंट्री करते थे, उन लोगों को लकड़ी का करताल बजा के गांव में एंट्री करना पड़ता था ताकि लोग उनको देखें नहीं, अगर देख लेंगे तो दोष जो देखेगा उसको लगेगा, और मतलब बहुत कुछ था, बहुत व्यवस्था था। तो कह रहा है कि ये जो कथन है वो किसका है, फाहियान का या मेगास्थनीज का या कौटिल्य का या वेनसोंग का। ठीक है, तो किसका था, फाहियान का, किसका था, फाहियान का। और ये फाहियान कहाँ का था, तो फाहियान चीन यात्री था। ठीक है, फाहियान कहाँ का था, चीन का था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माँ कौन थी, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो ऑप्शन है गंधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। तो देखिए, कुंती जो थी, कुंती वो पांडवों की माँ थी। पांडव मतलब क्या, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो ये किनकी माँ थी, पांडवों की। ठीक है, तो जो गंधारी थी, गंधारी वो दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, गंधारी क्या थी, दुर्योधन की माँ थी, जो कि गंधार की रहने वाली थी। ठीक है, कहाँ की, गंधार की। और जो शकुनी था वो दुर्योधन का मामा था। ठीक है, शकुनी क्या था, दुर्योधन का मामा था, और गंधारी दुर्योधन की माँ थी, और धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या थे, दुर्योधन के पिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने गीता का भक्ति टीका मराठी में लिखा था। ऑप्शन क्या है, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और मनेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मनेश्वर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मनेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्रकृत या हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की, महाभारत के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन है आपके पास वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या वेदव्यास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार के भाई, 4, 6, 8 या 9। तो आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है। तो ही बताए थे कि महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सात्य सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सात्य सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सात्य सहित्री, हाँ, सात्य सहित्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो सात्य सहित्री संहिता का दूसरा नाम क्या है, महाभारत। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम सात्य सहित्री संहिता या जय संहिता, जय संहिता। क्लियर,
महाभारत का पूरा नाम सात्य सहित्री या जय संहिता। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। ठीक है, तो किसने किया था रचना इसकी, महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन आपके पास है आर डी बनर्जी, के पी जायसवाल, वी एस सुखथांकर या पी वी काने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी एस सुखथांकर। ठीक है, वी एस सुखथांकर, इन्होंने क्या किया था, तो महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि कुंती ओ निषादी की रचना किसने किया था। ठीक है, कुंती ओ निषादी की रचना किसने किया था? ऑप्शन क्या है, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। ठीक है, महाश्वेता देवी ने क्या किया था, कुंती ओ निषादी की रचना किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किया, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे किस होना चाहिए था, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वंश ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण या महाभारत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख में व्यापारियों के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख में व्यापारियों के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके पास क्या है, वस्त्र बुनकर, रेशम बुनकर, स्वर्णकार या फिर गांधी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेशम बुनकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, रेशम बुनकर। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चले देखते हैं। कह रहे हैं कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी। आपको इससे मतलब जो डैश जो खाली स्थान है इसमें भरना है कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, गांधार थी या हस्तिनापुर या पाटलिपुत्र या सभी। ठीक है, तो कुरु वंश किस कहाँ की राजधानी थी, मतलब कुरु वंश की राजधानी कौन थी, तो हस्तिनापुर। ठीक है, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी। महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी, पांडव की या कौरव की या गंधार या कोई नहीं। ठीक है, तो किनकी सहायता की थी, पांडवों की। ठीक है, देखिए उनके पास एक सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, और एक वो थे। ठीक है, तो जब महाभारत की युद्ध हो रहा था तो क्योंकि वो उनके संबंधी थे, यानी कि जो अर्जुन थे, अर्जुन मतलब उनके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और ये आपके दुर्योधन जो भी होंगे सी, तो ये सब क्या थे, तो कृष्ण के संबंधी थे। ठीक है, यानी कि कृष्ण के बुआ के लड़के थे। तो इस तरह से अब अगर आप दोनों आपस में लड़िएगा तो किसी न किसी का तो साथ देवे करेंगे। ठीक है, तो उनके पास एक बहुत विशाल सेना थी और एक वो थे। ठीक है, तो अपनी सेना को मतलब इन दोनों के सामने अपना एक प्रस्ताव रखें कि एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ मैं हूँ। ठीक है, तो आप किसको चूज करिएगा। ठीक है, हम आप दोनों की हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे संबंधी के लड़के हैं, मतलब बुआ के लड़के हैं, तो आपका हेल्प करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप बताइए किस मतलब आप किसको चुनिएगा, मतलब एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी सेना है। ठीक है, तो जो कौरव थे, यानी कि कौन जो दुर्योधन के पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि भाई ये अकेला व्यक्ति क्या करेगा ना, इसकी सेना को लेंगे तो सेना लड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, सेना को चूज किया। कौरवों ने क्या किया, उनकी सेना को चूज किया। तो पांडवों ने क्या किया, बोले कि ठीक है अब आप हमारे साथ रहिए। तो कृष्ण ने किसका साथ दिया था, पांडवों का साथ दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, आपको फिलअप करना है, जो ब्लैंक स्थान है उसमें फिलअप करना है कि धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, कुंती था या गंधारी या पंचाली या सभी। ठीक है, तो कौन थी धृतराष्ट्र की पत्नी, भाई गंधारी थी। ठीक है, धृतराष्ट्र की पत्नी कौन, गंधारी, जो कि गंधार की रहने वाली थी। और इसके भाई का नाम क्या था, शकुनी, मामा शकुनी का नाम सुने आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि देवव्रत का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, देवव्रत का दूसरा नाम क्या था,
तो ऑप्शन है अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन और युधिष्ठिर। ठीक है, तो जो भीष्म थे इनके बचपन का नाम था देवव्रत। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था। उन्होंने क्या किया, जब उनके पिता, मतलब इनके पिता का नाम था शांतनु था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? शांतनु। और शांतनु इनके पिता थे, और वो जब मतलब गए घर से बाहर कहीं पे, मतलब जैसे होता था ना कि लोग भ्रमण करने के जाते थे, ठीक है, तो भी क्या किया, भ्रमण करने के लिए गए, और एक मतलब जो होता है निषाद, मतलब आजकल उसको हम मलाह कह सकते हैं, तो निषाद की एक पुत्री थी जो कि तालाब में नाव चला रही थी। ठीक है, उसको देख कर वो मोहित हो गए। ठीक है, क्या हुआ, वो उसको देख करके मोहित हो गए, और मतलब उससे शादी करने की जिद किए, चूँकि उस समय भीष्म यानी कि जो देवव्रत थे वो उनके एक मतलब पत्नी के लड़के थे, और उन्होंने क्या किया, जो इनके पिता थे शांतनु, उन्होंने एक निषाद की लड़की जो कि नाव चला रही थी तालाब में, उसको देखा और मोहित हो गए। ठीक है, और उससे शादी करने की जिद पकड़ लिए। ठीक है, तो वो उस निषाद के घर पहुँचे, ठीक है, और उसके पिता से बात किए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी पुत्री का शादी तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि वो जो मतलब इसके लड़के होंगे वही राजा बनेंगे। ठीक है, हमारी पुत्री का जो लड़का होगा वही क्या करेगा, राजा बनेगा, यानी कि इनके अलावा कोई राजा नहीं बनेगा। अब इनके सामने दुविधा आ गई, किसके सामने, तो शांतनु के सामने। ठीक है, शांतनु के सामने क्या हुई, एक दुविधा आ गई कि भाई हमारा पहले से एक बड़ा सा बेटा है। ठीक है, क्या है, एक बड़ा बेटा है, और मतलब ऐसे देखा जाए तो नीति शास्त्रों के हिसाब से जो बड़ा लड़का होता है वही राजा बनता है। ठीक है, तो इनके सामने क्या दुविधा आ गई कि भाई हमारा बड़ा बेटा राजा नहीं बनेगा, तो फिर छोटा लड़का सब राजा कैसे बन सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब जब भी देवव्रत को पता चला कि मतलब क्या मामला है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा की। ठीक है, और प्रतिज्ञा क्या किया कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं आजीवन शादी विवाह नहीं करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, आजीवन शादी विवाह नहीं करूँगा, और मैं कभी राजा नहीं बनूँगा, हालांकि मैं मतलब जो सिंहासन है सिंहासन की देख रेख करूँगा, उसकी मतलब देख रेख करूँगा, लेकिन कभी राजा नहीं बनूँगा। ठीक है, तो उस टाइम से उनका नाम क्या पड़ गया, उनका नाम भीष्म पड़ गया, यानी कि उससे पहले किसी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी, तो उसी प्रतिज्ञा को देख करके उनका नाम क्या पड़ गया, भीष्म पड़ गया। ठीक है, तो देवव्रत का दूसरा नाम क्या था, भीष्म था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी के चीर हरण, यहाँ पे हैरान नहीं हरण होगा, हरण, ठीक है, द्रौपदी के चीर हरण के समय किसने, यहाँ पे किस व्यक्ति का नाम डालना है कि किसने उसकी लज्जा बचाई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन या कृष्ण। तो अगर आपने कभी महाभारत देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कि जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर वो जुआ खेलते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा। ठीक है, तो द्यूत क्रीड़ा में क्या होता है कि ये मतलब अपने खुद को हार जाते हैं, अपने जो भी राज होता है सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपने भाइयों को और स्वयं को, ठीक है, सबको हार जाते हैं द्यूत क्रीड़ा में, यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये स्वयं को हार जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तो बारी आती है इनकी पत्नी जो कि द्रौपदी थी यानी कि पंचाली थी, उसकी बारी आती है। ठीक है, तो उसको भी ये द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं। जब ये द्यूत क्रीड़ा में हारते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो दुर्योधन है, ठीक है, वो कहता है कि अब तुम इसको द्यूत क्रीड़ा में हार गए ना, तो अब उसको बाल से घसीटते हुए लेके आते हैं पूरे राज्यसभा के बीच में। ठीक है, और फिर उसका चीरहरण करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो कृष्ण को याद करती है। किसको याद करती है, कृष्ण को, क्योंकि अब देखिए अर्जुन तो खुद को हार गए हैं, युधिष्ठिर भी हार गए हैं, और दुर्योधन जो है वो उसका चीरहरण कर रहा है, तो अब बचाने कौन आएगा भाई, तो वो किसको याद करती है, कृष्ण को, तो कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि अर्जुन किसके शिष्य थे। ठीक है, अर्जुन किसके शिष्य थे, तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, राम, कृष्ण, द्रोणाचार्य और कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। अर्जुन किसके शिष्य थे भाई, तो
वस्तु जोड़ना चाहती है। क्या अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्णों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में चार प्रकार के वर्णों का जिक्र किया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। क्लियर, तो वर्ण व्यवस्था में चार प्रकार के वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, मतलब किस स्थान पर हुआ था, मगध में हुआ था या कुरुक्षेत्र में हुआ था या गंधार में या कहीं नहीं। ठीक है, तो महाभारत का तो युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, तो कहाँ हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि शास्त्रों के हिसाब से मात्र कौन राजा बन सकता था। ठीक है, शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ कौन राजा बन सकता था, तो कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र। तो जो क्षत्रिय थे वही क्या कर सकते थे, राजा बन सकते थे। क्लियर, जो क्षत्रिय थे वो क्या कर सकते थे, राजा बन सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान क्या करना है, इसमें आपके सामने दिया हुआ है, देखिए वाल्मीकि ने क्या किया था, वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी। ठीक है, तो वाल्मीकि ने रचना किया था रामायण का। ठीक है, वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, रामायण की। महर्षि व्यास ने किसकी रचना की थी भाई, तो महर्षि व्यास ने किया था महाभारत का। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का, महर्षि व्यास महाभारत का। मनु ने क्या किया था भाई, तो मनुस्मृति। ठीक है, अब याज्ञवल्क्य ने क्या किया था, तो याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद ने नारद स्मृति। क्लियर, नारद ने क्या किया था, नारद स्मृति की रचना की थी। तो ऐसे करके आप इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का आप लोगों का टोटल क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अब अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी अपडेट्स आपको जब हम अपडेट करें तो सभी अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है,